over there. Okay, students, आज हम क्या करेंगे? आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश में रीडर में चैप्टर नंबर 3. ओके, चैप्टर नंबर 3 दैट इज मोगली. आज का हमारा इंग्लिश का चैप्टर है स्टूडेंट्स मोगली. ओके, सो हम मोगली के बारे में स्टोरी पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट. दिस इज चैप्टर 3. ओके, मोगली जो आज हम करेंगे. ओके, आपको भी मेरे साथ रीड करना है. ओके, चैप्टर नेम इज मोगली. आई एम रिपीटिंग अगेन, मोगली. ओके, मोगली वॉज अ लिटिल बॉय हु ग्रू अप अमोंग द एनिमल्स इन द जंगल. Mowgli's good friend was Baloo the bear. Now students, Mowgli was a little boy. Mowgli क्या है? एक छोटा सा बच्चा होता है who grew up with the animals, जो animals के साथ जंगल में बड़ा होता है. Okay? And Mowgli has a good friend. Mowgli का बहुत अच्छा दोस्त भी होते हैं and that is Baloo the बियर. बल्लू मोगली का बहुत अच्छा गुड फ्रेंड है एंड बल्लू कौन है? एक बियर है. ओके, मोगली छोटा सा बच्चा है एंड वो बाकी एनिमल्स के साथ जंगल में बड़ा होता है. ओके, बल्लू एंड मोगली वर ऑलवेज टुगेदर. बल्लू वाज बिग एंड स्ट्रॉन्ग सो ही टुक केयर ऑफ मोगली. बल्लू एंड मोगली वेर ऑलवेज टुगेदर. जो बल्लू द बियर होता है एंड मोगली हमेशा साथ में रहते हैं. ओके, एंड बल्लू जो है, बल्लू बहुत ही ताकतवर है. ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड बिग. वो बहुत बड़ा है एंड बहुत ही ताकतवर है. स्टूडेंट्स, बियर बहुत ही ताकतवर एंड स्ट्रॉन्ग होता है ना स्टूडेंट्स, बल्लू भी बहुत ताकतवर एंड स्ट्रॉन्ग था. सो बल्लू यूज टू टेक केयर ऑफ मोगली. बल्लू क्या करता था? मोगली का केयर करता था. जैसे आपकी मम्मा आपके घर में, मम्मी पापा आपकी केयर करते हैं ना, वैसे ही बल्लू जो था वो मोगली की केयर करता था. बिकॉज मोगली क्या था? बहुत ही छोटा बच्चा था. बघीरा द ब्लैक पैंथर वॉज अनदर गुड फ्रेंड ऑफ मोगली. व्हेन मोगली वॉज अ बेबी बघीरा हैड फाउंड हिम इन द जंगल. बघीरा द ब्लैक पैंथर वॉज अनदर गुड फ्रेंड ऑफ मोगली. मोगली का एक और दूसरा फ्रेंड भी था जिसका नाम था बघीरा. ओके, बघीरा कौन था? वो एक पैंथर है. ओके, पैंथर एनिमल स्टूडेंट्स, बघीरा कौन है? एक पैंथर है और वो भी मोगली का बहुत अच्छा दोस्त होता है. व्हेन मोगली वाज अ बेबी बघीरा फाउंड हिम इन द जंगल. जब मोगली बहुत ही छोटा बेबी था तब बघीरा को मिला था मोगली. ओके, बघीरा को मिला था जंगल में मोगली. ओके, बघीरा एंड मोगली हैड ए लॉट ऑफ फन. दे प्लेड एंड जम्प्ड अराउंड ऑल डे. बघीरा एंड मोगली हैड अ लॉट ऑफ फन. इट मीन्स बघीरा और मोगली साथ में बहुत सारा मस्ती करते थे. दे प्लेड एंड जम्प्ड अराउंड ऑल डे. यानी कि वो दिन भर क्या करते थे? खेलते रहते थे, कूदते रहते थे, जंप करते रहते थे, इधर उधर भागते रन करते रहते थे. सो इस तरीके से बघीरा एंड मोगली बहुत मस्ती करते थे. बल्लू वॉज वेरी स्मार्ट. ही टॉट मोगली हाउ टू फाइंड fruits and honey in the jungle. Mowgli loved Baloo a lot. They had a lot of fun swimming and playing together. Now students, Baloo was very smart. Baloo कैसा था? बहुत ही समझदार था. यहाँ smart means समझदार. वो बहुत ही समझदार था. And he taught, यानी कि Baloo taught Mowgli how to find honey and fruits in the jungle. यानी कि Baloo ने क्या किया? Mowgli को जंगल में fruits and honey ढूंढना सिखाया कि कैसे जंगल में fruits and honey ढूंढा जाता है. Mowgli loved Baloo a lot. That means Mowgli Baloo को बहुत प्यार करता था. जैसे आप लोग अपनी मम्मा से प्यार करते हैं ना, पापा से प्यार करते हैं, वैसे ही मोगली बल्लू से बहुत प्यार करता था. दे हैड लॉट ऑफ फन प्लेइंग एंड स्विमिंग टुगेदर. वो बहुत ज्यादा मस्ती करते थे. यानी कि वो जंगल में, रिवर्स में, जंगल में क्या होता है, वो लोग दौड़ते रहते थे, रिवर्स में स्विमिंग करते थे, खेलते थे, भागते थे, तो बहुत सारा मस्ती करते थे. ओके, वन डे मोगली बघीरा एंड बल्लू वेंट टू द अदर
साइड ऑफ द जंगल. वन डे मोगली बघीरा एंड बल्लू वेंट टू द अदर साइड ऑफ द जंगल. यानी कि क्या होता है, एक दिन मोगली बघीरा एंड बल्लू क्या होता है, जिस जंगल में वो लोग रहते थे उस जंगल के दूसरी ओर चले जाते हैं. ओके, दे वेंट देयर टू मीट देयर फ्रेंड का द ब्राउन स्नेक. दे सॉ का सिटिंग नेक्स्ट to a big tree. They also saw many fruits lying on the ground next to Ka. They went there to meet their friend Ka. वो लोग वहाँ पे क्यों जाते हैं, वहाँ उनका एक फ्रेंड होता है जिसका नाम है का. अब का कौन होता है स्टूडेंट, का एक ब्राउन स्नेक होता है. ओके, एक ब्राउन स्नेक जिसका नाम है का, वो भी इन लोगों का क्या है, फ्रेंड है. दैट मीन्स मोगली बघीरा बल्लू और का फोर फ्रेंड्स होते हैं. ओके, दे सॉ का सिटिंग टू अ नेक्स्ट ट्री. जब वो लोग वहाँ पे पहुंचे उन लोगों ने क्या देखा, का ट्री के बगल में से क्या था, बैठा हुआ था. दे ऑल्सो सॉ मेनी फ्रूट्स लाइंग डाउन इन द ग्राउंड. उन लोगों ने और क्या भी देखा कि बहुत सारे फ्रूट्स पे जमीन पे पड़े हुए थे. हु डिड दिस का, मोगली आस्क्ड द स्नेक. द मंकीज का रिप्लाइड, बट वेन दे सॉ मी दे रैन ऑफ. शैल वी गो आफ्टर देम, का आस्क्ड बल्लू. हु डिड दिस का, मोगली आस्क्ड टू द स्नेक. यानी कि मोगली ने पूछा कि का ये सब किसने किया. द मंकीज का रिप्लाइड, का ने क्या जवाब दिया, मंकी ने किया है ये सब, मंकी ने सारा फ्रूट जमीन पे गिरा दिया है. बट वेन दे सॉ मी दे रैन ऑफ, यानी कि जब, लेकिन जब उन्होंने मुझे देखा तो वो सब भाग गए. यानी कि वो मंकी क्या थे, फ्रूट्स खाने के लिए आए थे, लेकिन जब उन्होंने मंकीज ने स्नेक को देखा तो वो लोग वहां से क्या गए, भाग गए. शैल वी गो आफ्टर देम, का आस्क्ड बल्लू. अब यहाँ पे स्नेक ने यानी कि का ने किससे पूछा, बल्लू से पूछा कि क्या हम उनके पीछे जाए, यानी कि जिन्होंने फ्रूट्स गिराया था मंकीज ने, तो मंकीज के पीछे जाए, ये का ने बल्लू से पूछा. नॉट नाउ का, बल्लू रिप्लाइड. आई एम हंग्री नाउ, इट इज टाइम फॉर मी टू ईट. लेट अस ऑल एंजॉय द फ्रूट्स. नॉट नाउ का, बल्लू रिप्लाइड. बल्लू ने क्या जवाब दिया, अभी नहीं का, अभी नहीं जाएंगे. आई एम हंग्री नाउ, इट इज टाइम फॉर मी टू ईट. अभी मुझे बहुत भूख लगी है, अभी मेरा खाने का टाइम है, सो अभी हम उनके पीछे नहीं जाएंगे. Let us all enjoy this fruit. चलो हम सब इस फ्रूट्स को enjoy करते हुए खाते हैं. Otherwise, they will rot and be wasted. So, Bagheera, Balloo, Mowgli and Ka together had a picnic and ate all the fruit. Otherwise, they will be rot and wasted. Otherwise, क्या हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा. Rot यानी कि सड़ना, होगा ये सड़ जाएगा और खराब हो जाएगा, ये बेकार हो जाएगा. Wasted means बेकार हो जाएगा. चलो इसको हम खा लेते हैं अभी. So, Bagheera, Balloo, Mowgli and Ka had a picnic with these fruits. तो अब क्या किया, इन चारों ने मिलके एक पिकनिक के रूप में पिकनिक मनाया और ये सारे फ्रूट्स खा लिए. Then they rested the whole day and got ready for the next day, which is another story. Fruits खाने के बाद सबने क्या किया, रेस्ट किया. ओके, आराम किया और नेक्स्ट डे के लिए, नेक्स्ट डे क्या करना है उसके लिए रेडी हो गए. ओके, एंड जो आगे का पार्ट है वो नया स्टोरी है, जो आपके बुक में नहीं दिया है. आपके बुक में यहाँ तक दिया है, क्या होता है, ये लोग बैठ के जो मंकीज ने फ्रूट्स तोड़ा था वो फ्रूट्स खा लेते हैं और रेस्ट कर लेते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कितने फ्रेंड्स हैं, फोर फ्रेंड्स हैं. ओके, एक मोगली, बल्लू, बघीरा एंड का. का कौन होता है, एक स्नेक होता है, ब्राउन स्नेक. ओके, बघीरा कौन होता है, एक ब्लैक पैंथर होता है. ओके, एक ब्लैक पैंथर होता है. ओके, बल्लू कौन होता है, एक बियर होता है. एंड मोगली एक छोटा सा बच्चा. यानी कि यहाँ पे आपको फ्रेंडशिप के बारे में बताया गया है कि फ्रेंडशिप ना आपका कलर देखता है, ना आपकी कैटेगरी देखता है. ओके, यहाँ पे क्या है, एक इंसान का बच्चा, छोटा सा बेबी, एनिमल्स के साथ कितने अच्छे से प्यार से
रहता है और यहाँ पे ना एनिमल्स उनको हार्म करता है ना ह्यूमन उसको हार्म करता है, यानी कि वो जंगल में बहुत अच्छी तरीके से एक फैमिली की तरह से ये क्या करते हैं, रहते हैं। दैट मींस फ्रेंडशिप का कोई लिमिटेशंस नहीं है, हम किसी के साथ भी फ्रेंडशिप कर सकते हैं, ओके। और फ्रेंडशिप करना ही नहीं, फ्रेंडशिप निभाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ इस स्टोरी में आपको फ्रेंडशिप के बारे में फोकस किया है कि किस तरीके से ये लोग फ्रेंडशिप निभा रहे हैं, ओके। अदरवाइज सोचो स्टूडेंट, स्नेक के साथ कोई फ्रेंड कैसे हो सकता है, बट यहाँ पे क्या दिया है, स्नेक के साथ भी वो फ्रेंड है, ओके। सो मोगली क्या है, छोटा सा बच्चा जिसके बहुत सारे एनिमल्स फ्रेंड्स है और उसका घर भी कहाँ है, जंगल में है, ओके। स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी।